अपने सिर में एक केमिकल है, उसका नाम है मेलानिन। ये केमिकल बाल को सिर के बाहर निकालने वाला केमिकल है, माने बाल जो बढ़ते हैं वो इस केमिकल के कारण बढ़ते हैं। ये केमिकल छोटे बच्चों में नहीं होता, जो एक दिन के बच्चे होते हैं ना, दो दिन के, तीन महीने, तीन साल तक ये केमिकल बच्चों में जाती नहीं है, इसलिए उनके बाल जाती नहीं आते। उसके बाद ये केमिकल बनना शुरू होता है और 60-70 वर्ष की उम्र तक बनता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होता है। तो 60-70 वर्ष तक बाल बढ़ते हैं, उसके बाद घटना शुरू हो जाते हैं। ये सब काम मेलानिन नाम के केमिकल के कारण होता है। अब ये जो शैम्पू है वो क्या करता है, ये मेलानिन का ही नुकसान करता है। तो जितना जाती आप शैम्पू वापर करेंगे, मेलानिन उतना कम हो जाएगा, मेलानिन जितना कम होगा बाल उतने कम होंगे। तो क्या करना है, शैम्पू वापरना नहीं, तो शैम्पू वापरना बंद। केश गलने की समस्या जो कि ताई और आई को है, उनको शैम्पू वापरना नहीं। अब क्या वापरना, शीका का, शीका का ही अपने घर में है, रीठा, रीठा जानते हैं, रीठा को क्या कहते हैं, रीठा। तो एक तो शीका का ही है, दूसरा रीठा है, और एक है आंवला, सुना है? ये तीनों खरीदना, रीठा, शीकाकाई, आंवला, तीनों खरीदना और इसका अनुपात बनाना। कैसा अनुपात बनाना, एक भाग आंवला, दो भाग रीठा, तीन भाग शीकाकाई, ऐसे खरीदना। एक भाग का माने 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा, 300 ग्राम शीकाकाई, ये तीनों खरीदना है। धूप में सुखाना और 8-10 दिन सुखाना, खूब अच्छे से सुखाना, फिर उसको कूटना, पाउडर बनाना, पीसना। पीसने के बाद वो पाउडर को बाटली में भर के रखना। फिर आपको जब बाल धोने का है तो ये इसमें से एक चम्मच पाउडर लेना, एक गिलास गर्म पानी में रात्रि को डालना, सकारी वो पानी से बाल धोना। ये तरीके से आपको बाल धोना, जीवन पर्यंत आपको कभी भी केश गलने का समस्या नहीं आएगी। क्या क्या करना, आंवला, दूसरा नई नई रीठा, फिर तीसरा शीतक। आंवला कितना, एक भाग माने 100 ग्राम, रीठा कितना 2 ग्राम, रीठा और शीका का ही कितना 300। तीनों बाजार में मिलता है, पंसारी की दुकान पर मिलता है, किराने की दुकान में मिलता है। खरीद के सुखाना धूप में पहले 10-15 दिन, जब ये खूब सूख जाएगा फिर इसको पीसना, कूटना, और पीस लेंगे फिर बाटली में भर के रखना, ठीक है। अब यही आपका शैम्पू है, रोज एक चम्मच इसमें से लेना, एक गिलास गर्म पानी में रात्रि को भिगो देना, सकारी उठकर उस पानी से बाल धोना, तो केश गलने की समस्या नहीं, ठीक है।